दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मौजूद है बरेली के नवल्टी टाकिज पर, उस चौराहे पर जो बरेली का दिल माना जाता है, खास चौराहा है। लंबे अरसे के बाद नगर निगम की जेसीबी यहां पर पहुंच रही है और कुतुबखाना घंटा घर तक अवैध कब्जे हटाएगी। बाकायदा नगर निगम प्रशासन ने अखबारों के जरिए एक रोस्टर जारी किया है कि किस दिन किस रोड पर जेसीबी अवैध कब्जे हटाने के लिए जाएगी, लेकिन रोस्टर देखने के बाद तस्वीर साफ हो गई है। कम से कम पीलीभीत रोड पर अवैध तरीके से लगने वाली कार बाजार, रेता बजरी के टाल पर यानी बिल्डिंग मटेरियल वालों पर फिलहाल अभी जेसीबी इस रोस्टर के मुताबिक नहीं चलेगी। मिनी बाईपास पर लंबे अरसे से कब्जा करके रेता बजरी बिल्डिंग मटेरियल बेच रहे लोगों पर भी जेसीबी फिलहाल अभी इस रोस्टर के मुताबिक नहीं चलेगी। नरियावल रोड पर भी अवैध कब्जे हैं, श्रीगंज रोड पर भी अवैध कब्जे हैं, लेकिन अभी जेसीबी उस इलाके में नहीं पहुंचेगी। जेसीबी अभी फिलहाल उस इलाके में पहुंचेगी जहां पर आए दिन अतिक्रमण हटाए गए, खास तौर से इंदिरा मार्केट के अंदर अवैध कब्जे हटाए गए, लेकिन कुकर मुत्ते की तरह वो अतिक्रमण फिर से उगाए। एक तरफ अतिक्रमण हटे, दूसरी तरफ उससे ज्यादा तेज गति से, तेज रफ्तार से अवैध कब्जे इस इलाके में सड़कों पर हुए हैं जहां आज अतिक्रमण हटाने की बात की जा रही है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिसमें अतिक्रमण हटा था, और बाद में भी वो तस्वीरें दिखाएंगे कि अतिक्रमण हटने के बाद आखिर वो अतिक्रमण लग किसकी वजह से जाता है, कौन व्यक्ति कौन संरक्षण देता है इन अतिक्रमण करने वाले ठेले वालों को, जो इंदिरा मार्केट के बीचों बीच में अपने ठेले खड़े करके रास्ते को बंद किए हुए हैं। लोग भी जानना चाहते हैं, शहरवासी भी जानना चाहते हैं। नगर निगम बोर्ड के 5 साल के कार्यकाल में 4.5 साल करीब बीत चुके हैं। दर्जनों बार बुलडोजर चला है, लेकिन वो बुलडोजर कभी सुरेश खन्ना के मंत्री काल में चला, कभी गोपाल जी टंडन नगर विकास मंत्री थे उनके कार्यकाल में चला, इस बार गुजरात के रिटायर आईएएस अरविंद कुमार शर्मा नगर विकास मंत्री बनाए गए हैं, उनकी देखरेख में चलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आईएएस नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के कार्यकाल में अतिक्रमण चलेगा, बुलडोजर गरजेगा, लेकिन क्या अरविंद कुमार शर्मा नगर निगम में तैनात उन अधिकारियों की कार्यशैली को बदल पाएंगे जिन्होंने कई बार अतिक्रमण हटाए, जिन्होंने दर्जनों बार बुलडोजर चलाया लेकिन अतिक्रमण नहीं हटा। न अतिक्रमण दल में तैनात वो कर्मचारी हटे जिन पर आए दिन उंगलियां उठती रही, जिन पर तरह तरह के आरोप लगते रहे। इस बार के अतिक्रमण हटाओ अभियान में हम देखेंगे कि कैसे अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन बाद में क्या तस्वीर रहने वाली है बरेली शहर की, वो भी समय समय पर हम दिखाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बरेली में सक्रिय हो गई यातायात पुलिस भी, और सैटेलाइट बस अड्डे के सामने पुलिस की पूरी टीम अपनी कार्रवाई कर रही है। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर गाड़ियों के फोटो भी खींचे जा रहे हैं। यही वो जगह थी जिसकी समय समय पर हम स्टोरियाँ आपको दिखाते रहे थे। किस तरीके से आज पुलिस सक्रिय है, मतलब सरकार ने, शासन ने सख्ती करना शुरू कर दी है। शायद यही वजह है कि बरेली के अंदर सैटेलाइट बस अड्डे के पास सक्रिय हो गई यातायात पुलिस। काटे जा रहे हैं चालान, मैं दिखा रहा हूँ कैमरे की नज़र से कार्रवाई, देखिए यातायात पुलिस की कार्रवाई। अब आज गाड़ियाँ रोड पर दिखाई नहीं दे रही हैं। कल बरेली के कमिश्नर ने भी एक मीटिंग ली थी, वहीं दूसरी ओर डीएम भी लगातार सक्रिय है बरेली के, शिवकांत द्विवेदी, जिसकी कार्रवाई और बैठकों का नतीजा बरेली की सड़कों पर नज़र आने लगा है। कार्रवाई लगातार जारी है।